क्योंकि हम एक नाग हैं यार, हमें कोई वो आम आदमी नहीं है कि आज कुछ बोल दें कल कुछ बोल दें, ऐसा नहीं, हमारे अंदर बड़ी गंभीरता पेवर है। जगत में हम कणकण में समाये हुए भगवान ने, आप भगवान है गुरु गजब बात कर रहे हैं, आप भगवान है कणकण में समाये। देखो ये आपके भाई से हम बातचीत किए थे, कह रहे थे कि अगर 2024 में नाग नहीं बने तो इनको हम मार कर नाग बनाएंगे, सच्चाई है? देखो कहने के लिए तो परिवार मान ही नहीं रहा था, लेकिन जब दुख आ गई तो उसमें सदमा पैदा हो गया कि कहीं कहीं मेरे लड़के में कुछ शक्तियों की खूबी है। आपको गांव में नगवा कहते हैं? भाई देखो, कोई नगवा कहता है, कोई नाग देवता कहता है, कोई साधु कहता है, कोई भोलेनाथ, कोई महादेव, कोई त्रिकालदर्शी, तमाम तरह के मेरे नाम है मेरे गाँव में। कब मैं नेताओं की तरह बात करने लगूंगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, कब वकील की तरह बात करूंगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, और कब जज की तरह मैं खड़ा हो। नागिन वाला खेल कैसे कब तक खेलेंगे महाराज? नहीं देखो ये गलत है, क्योंकि हमारे भी अंदर एक पहचान है, जैसे कि अन्य और कोई सर्प ऐसे आते जाते हैं तो उनके रुख से ही मालूम हो जाता है कि नहीं। मैं तो लग रहा है कि ये नाग नहीं है, सिर्फ एक अफवाह है, पर आप लोग जरूर बताइएगा ये नाग है या नहीं है, जिस तरीके से बेबाकी के साथ कह रहे हैं कि 2024 में मेरा खुलासा होगा। मैं कार, मेरा नाम है सुभाष और आप देख रहे हैं सच की ओर न्यूज, लगातार सच्चाई को सामने उजागर करने का प्रयास करता हूँ। ऐसे में अगर मैं बात करूँ तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं अजय गौतम नाग, खुद को इच्छाधारी बताते हैं, लगातार इनकी खबरें सोशल मीडिया पे वायरल चल रही हैं, मगर सच्चाई क्या है तमाम लोग जानते हैं, तमाम लोग जानते भी हैं और जानना भी चाहते हैं कि ये 2024 में जिस तरीके से कह रहे हैं कि मैं एक नाग बन जाऊंगा, नाग बनेंगे या नहीं बनेंगे, तमाम मुद्दे पर इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आपको बताने का यह भी प्रयास करूंगा कि आज इनसे कुछ ना कुछ बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, वीडियो आप लोग छोड़िएगा मत। अजय गौतम नाग जी, ये बताइए, तमाम लोग आपको देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, तो सबसे पहले ये बताइए कि आप जो कह रहे थे कि हम एक इच्छाधारी नाग है, इच्छाधारी नाग बनने वाले हैं, वो सारी चीजें क्या है, वो सच्चाई थोड़ा बताइए। देखिए सच्चाई तो है मेरी बातों में कि मैं बनने वाला हूँ, और झूठी खबर मैं दुनिया को देना भी नहीं चाहता हूँ, इन बातों का प्रूफ हमें मिल चुका है। इस वजह से सच्चाई को सामने करने के लिए आप सबके चैनल से जगत को बताना है कि यह चीज़ें भगवान ने यहाँ लिख दिया है और इस तरह के कारनामे होंगे, इसके पहले आप लोग जान लो, और जब मैं सन 2024 लास्ट में हो जाऊँगा तब मैं आप लोगों से बातचीत करना, मतलब ये नहीं हो पाएगा, और आप में से अगर कोई करना भी चाहता है तो जब तक मैं नहीं चाहूँगा तब तक वो हमारे करीब नहीं हो सकता है या बात नहीं कर सकता, कहें तो बेशक मेरे पास में रहेगा लेकिन कर नहीं सकता, मैं अपने शक्तियों द्वारा रोक के रखूँगा। तो इसके लिए इसे अभी से भगवान ने यह जाहिर लिखा था कि आपको समय से पहले यह जाहिर कर देनी है कि हम इस रुख में हैं और इच्छाधारी बन जाएंगे सन 2024 लास्ट में। फिल्मों में देखने वाला वो सीन आज आपको हकीकत में देखने को मिल रहा है। ये अजय गौतम नाग जी हैं, लगातार चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि 2024 लास्ट में मैं एक नाग बन जाऊंगा। नाग तो बन जाएंगे पर कैसे बनेंगे वो सारी चीजें जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए, आप जितनी बेबाकी से तमाम लोगों को देखकर ये कह रहे हैं कि मैं नाग बन जाऊंगा, पर आप कहीं ना कहीं ये हमें लग रहा है कि आप एक झूठ बोल रहे हैं, एक दिखावा कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। नहीं, सवाल यह है कि मैं इच्छा मृत तीनों लोग के शक्तियों से इस जन्म में नमाजा गया हूँ और ये शक्तियाँ हमें मिलना बाकी रह गई है, तो इसके लिए तो नहीं कुछ ऐसा दिखा सकता हूँ, लेकिन ये कहूँगा कि जहाँ तक कि झूठ आपको समझने की जो बातें हैं तो यह गलत फहमी है आपकी, क्योंकि इसकी सबूतें हमको मिल चुकी हैं बहुत पहले से ही, और बनने की जो बातें हैं तो हम झूठी खबर इसलिए नहीं फैलाएंगे क्योंकि हमें मालूम है, हम जानकार हैं, समझदार हैं, आर्ट तक पढ़े भी हैं और नौकरी पानी, धंधा, ड्यूटी पानी सब कुछ करते हैं, तो ये सारी बातें जहाँ तक हैं तो वहाँ हम आपको झूठ नहीं बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम 2024 में नाग बन जाएंगे, आपका ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर जिस तरीके से जितनी बेबाकी के साथ कह रहे हैं कि मैं एक नाग बन जाऊंगा, मैं भी कह रहा हूं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, कहने से कुछ होता है? नहीं नहीं, कहने से होता नहीं है, उसका जब कोई रिजल्ट मिलता है तभी। तो मैंने इन सारी चीजों में, जैसे लोग कहते हैं बच्चा पढ़ाई करा है 10वीं में, 6वीं के परीक्षा में जो है फर्स्ट क्लास आ गया है, सालाना में भी आ जाएगा, तो हमने कहीं 6वीं में पास हो चुका हूँ और ये सालाने पर अब नंबर आ गई है, तो सालाने में पहले से भगवान ने कर दिया था कि इसे जाहिर कर देना कि हम सालाने में आ रहे हैं, तो सालाने में भी हमारी विजय है, इसलिए हम आप सब दर्शक को सच्चाई रख रहा हूँ आपके सामने, और ना ही इसमें कोई जुमलेबाजी की बात है, क्योंकि हम एक नाग हैं यार, हमें कोई वो आम आदमी नहीं है कि आज कुछ बोल दें कल कुछ बोल दें, ऐसा नहीं, हमारे अंदर बड़ी गंभीरता पेवर है, हाला जल्दी पेवर। ये बताइए कितना पढ़े हैं आप?
पढ़े हैं हम 8 तक, 8वीं तक पढ़े हैं, 8वीं तक पढ़े हैं। पर आपको अध्यात्म का ज्ञान है, संस्कृत का ज्ञान है, लोगों के बीच में रहने का ज्ञान है, ऐसा तो नहीं होता है कि आप अगली बार चुनाव लड़ने वाले हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, चुनाव लड़ने वाले होंगे इसीलिए अपना फेस का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, फेस को हाईलाइट कर रहे हैं, लोगों के विषय में रहना भी चाहते हैं? नहीं नहीं, सवाल यह है कि जगत में हम कणकण में समाये हुए भगवान ने, आप भगवान है गुरु जब बात कर रहे हैं, आप भगवान है कणकण में समाये। देखो, यह आपको भी और जितने भाई लोग देख रहे हैं उनके लिए भी ये सवाल देता हूँ, उत्तर दे रहा हूँ, सवाल नहीं उत्तर दे रहा हूँ, कि जो इच्छा मृत तीनों लोग से नमाजा जाता है या कहीं इच्छाधारी नागिन या इच्छाधारी नाग, तो भगवान से एक कदम आगे होते हैं। अगर कहीं न कहीं किसी की किसी ने गुलामी अगर फंसे हैं तो इच्छाधारी नहीं, मतलब उनके संग साथ जुमलेबाजी हो रही। ये जीवन चाहे आपको मिले चाहे हमें मिले, जो भाई देख रहे हैं उनके लिए भी अगर आपको ऐसी जीवन मिल रही है तो उसमें अगर कोई धोखापन है तो ये गलत है। पर इस चैनल के माध्यम से जितने भी लोग आपकी वीडियो को देखते हैं, यही चैनल नहीं तमाम चैनलों पर आपका वीडियो चल रहा है, सभी लोग आपको गालियाँ देते हैं। नहीं देखो, सवाल तो यह है कि उन भाइयों के लिए कि मेरा छोटा सा उत्तर है कि कोई भी नेता चुनाव में उतरता है बेशक अच्छा हो बेचारा, लेकिन प्रचार करने जाता है तो पहले वोट से पहले उसकी माँ बहन को उसको गालियाँ मिलती है, फिर बेचारा बाद में चुनाव जीतता है। तो हमने भी दुनिया में जाहिर हुआ है तो बहुत से लोग हैं अच्छी बातें लिखते हैं, बहुत से लोग हैं बुरी। तो आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं तो भाई जैसे कि लोग भगवान को कभी कभी लोग गाली देते कहते भगवान ने मेरी किस्मत को ऐसा कर दिया, तो उस हिसाब से भगवान कभी आता नहीं जो कि जगत को ही बनाया है। आपके परिवार वालों से जब बातचीत होती है तो कहते हैं कुछ सब बुरा ही बताते हैं। हाँ। आपके पास वो ज्ञान है तो बुरा क्यों बताते हैं, अच्छा भी बताइए। दरअसल बात यह है कि मैंने पूरी रिजल्ट निकाल लिया है कि सन 2012 से परिवार समेत पूरे जगत में, पूरे जगत से कैसे रिजल्ट निकाले हैं वो मैंने अभी से बता रहा हूँ, मतलब पूरे जगत में दुख चलेगा और मैं चाह कर भी इसे सुख में नहीं बदल सकता, स्वयं पर भी परिवार का भी या और कोई बाहरी हमसे संपर्क में हो तो मैं तब तक नहीं कर सकता जब तक मेरी शक्तियाँ मेरी इच्छा से नहीं हो रही है या फिर मेरी नागिन जब तक नहीं चाहती है मेरे शक्तियों के पहले तब तक नहीं हो सकता, उनको सुख नहीं हो सकता। इसलिए परिवार को भी जो दुख की बातें बताता हूँ, परिवार तो काफी नाराज रहता है, हम आप सभी दर्शक से भी बयां कर रहा हूँ कि परिवार नाराज रहते हैं, खिलाफ रहते हैं और बहुत से सारी बातें कहते हैं कि जब से तुम्हें नागिन की बात कहा परिवार में और स्वयं के भी नाग होने का कहा, तब से परिवार में इतनी संकटें आई कि परिवार में काफ़ी शादियां रुक गई हैं, 2-3 शादियां रुक गई हैं और स्वयं मैं तो खुद ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी की ऐसी रवैया लिखी गई है, तो हम क्या करेंगे। बाकी उनकी भी रुक गई हैं, बाकी काम काज भी बढ़ गए हैं, केस मुकदमे, काफ़ी संकटें, बहुत सी सारी बातें हैं, कितना मैं बयां करूँ उससे ज़्यादा कहीं कम है। इसके पहले आपके भाई से हम बातचीत किए थे, कह रहे थे कि अगर 2024 में नाग नहीं बने तो इनको हम मार कर नाग बनाएंगे, सच्चाई है? देखो, कहने के लिए तो परिवार मान ही नहीं रहा था, लेकिन जब दुख आ गई तो उसमें सदमा पैदा हो गया कि कहीं कहीं मेरे लड़के में कुछ शक्तियों की खूबी है, अब सच्चाई कितना है यही बयां कर सकते हैं। तो इस हिसाब से भाई तो बहुत कुछ कह दिए, परिवार के भी लोग कह दिए, आज देश में भी बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत कुछ कह भी रहे हैं मेरे देशवासियों, तो देशवासियों में भी एक बातें हैं कि परिवार भी नहीं मान रहा था तो परिवार को जब वो विपत्ति आई तो मान गए। अब आप लोगों पर संकट की वाणी तो नहीं करता हूं, लेकिन इतना कहूंगा कि नए नए रूप में आपके परिवार में, आपके पड़ोस में, आपके गांव में, ये आप देख लेना, आपके परिवार या पड़ोस में या गाँव में या आपके पति पत्नी में भी आप एक बार इसे निगरा लेना, करीब में खूब अपने बच्चों में भी, कि कहीं कहीं दरार करार पैदा खींचा तानी चल रही है और कितने सालों से चल रही है इसे हम ही बता देते हैं कि सन 2012 से चल रही, इसके पहले कुछ ठंडा था। तो इस हिसाब से परिवार का भी कहना था नहीं मान रहे थे, लेकिन मान गए हैं और अब जनता जनार्दन पूरे जगत को दिखाना है सन 2024 लास्ट में, मतलब नहीं चाहोगे तो भी देखोगे तब मानोगे, अब इसके बाद नहीं मानोगे तो उसमें हमें कुछ कहना या करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो काम था वो हो गया है और बाकी अब ना माने आप तो इसके लिए हम कुछ ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, हाला अनबन बोलेंगे तब कोई ऐसे उलट फिर बात बोलेंगे तो कुछ भी एक्शन हो सकता है। आप जितनी बेबाकी के साथ कह रहे हैं और कह रहे हैं कि समाज में एक अपराध भी कर रहे हैं, जिस तरीके से अफवाह फैला रहे हैं, आपके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई भी हो सकती है। देखो, प्रशासन हमें सन 2021 से ही जानते हैं। ये बताइए, गांव के लोग तो आपको मानने के लिए तैयार नहीं है कि आप एक नाग हैं, इच्छाधारी नाग हैं, 24 में नाग बन जाएंगे, इसका तमाम ऐसी बातें हैं, आपके गाँव वाले मानने को तैयार नहीं है, तो तमाम दुनिया को क्या दिखाएंगे आप? दरअसल बात यह है कि गाँव को लोगों के विषय में मैं बताना चाहता हूँ आप सभी दर्शक को कि गाँव के लोगों की जो
छोटी मोटी बुराइयां होती है, या किसी लड़की लड़के का रिलेशन हो, या किसी की मर्यादाओं से जुड़ी बातें हों, या धन घटने की बातें हों, या उनकी छोटी मोटी चोरियों की बातें हों, हमको नागिन जब बता देती है वो चीज़ें, मैं उनको बता देता हूँ, तो इसके लिए वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं और दुश्मनी समझ लेते हैं और कहते हैं कि जब से नागिन की बात कहता है नगवा, तब से मेरी पोल पट्टी का ऐसी तैसी कर दिया। आपको गाँव में नगवा कहते हैं? भाई देखो, कोई नगवा कहता है, कोई नाग देवता कहता है, कोई साधु कहता है, कोई भोलेनाथ, कोई महादेव, कोई त्रिकालदर्शी, तमाम तरह के मेरे नाम है मेरे गांव में, तमाम तरह के। अभी जोड़ाएं तो बहुत नाम है जी। ये अजय गौतम नाग जी है, अब इनके तमाम नाम है, नगवा, नाग, भोलेनाथ, ऐसे कृपा शंकर, तमाम ऐसे आपके नाम है, सारे नाम है। मतलब अभी जोड़ने लगे तो आपको बताएं, हम कोई साधु कहता, कोई भगत कहता है, कोई नाग देवता कहता, कोई भोलेनाथ कहता, कोई महादेव कहता, कोई त्रिकालदर्शी कहता है, तो कोई बाबा कहता है, कोई अजय कहता है, कोई कहता है पगला है ये जिसकी बुराइयां खोल दी है। ये बताइए, आपकी शादी वादी नहीं हुई है? नहीं, शादी हम करने की इरादे नहीं थे, ये अच्छी तरीके से मैंने बया भी लिखा है, कोर्ट में दिया भी है, गई भी है, जहाँ की मैंने कुंवारा मरने की कामना कर रहा था, लेकिन मामला बहुत गंभीर है मेरे जिंदगी का, बहुत गंभीर है, जिसे दुनिया को आम बात लग रही होगी, लेकिन हमारी सारी बातों से क्या दुनिया यह साबित कर सकता है कि हमें, मैं मानसिक रूप से पीड़ित हूँ, क्योंकि मैं तमाम तरह की कामें बताया आप लोगों को। यार, आप आठ तक पढ़े हैं, आपको अध्यात्म का ज्ञान है, आप ऐसे बातें करते हैं जैसे कोई एक नेता बात करता हो, एकदम सच्चाई के साथ खड़े उतरते हैं, पर ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके अंदर कोई सच्चाई हो, क्योंकि देखने को महसूस होना चाहिए कि आपके अंदर को नाग है या नागिन है, ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है। सवाल यह है कि देखने से किसी के अंदर की ज्ञान को कोई नहीं पा सकता जब तक वह बोलेगा नहीं, कि मैं अगर आठ तक मैंने बताया हूं तो आठ तक के वजह से मैंने कई वीडियो में जिक्र किया हूं कि आठ तक पढ़ा हूं, लेकिन बराबर पढ़ाई नहीं है, लेकिन फिर भी जहां की इच्छा मृत तीनों लोग की बात है वहां मैं सब में हूं, तो कब मैं नेताओं की तरह बात करने लगूंगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, कब वकील की तरह बात करूंगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, और कब जज की तरह मैं खड़ा होकर किसी पेपर को देखकर या कोई वीडियो देखकर उसमें बता सकता हूं कि ये गलत कौन है, तो ऐसे भी न्याय को ठहरा सकता हूं और उसको भी अदालत नहीं काट सकती, ये मैं गारंटी देता हूं। आप नाग नहीं बने, नाग 2024 में इच्छाधारी नाग बनेंगे, इसके पहले ही अपना रूप बदलते रहते हैं, हर तरीके से लोगों के बीच में पेश आते हैं, वकील के साथ अगर बात करना हो तो वकील बन जाते हैं, पुलिस के साथ बात करना हो तो पुलिस बन जाते हैं, इस तरीके का आप हमेशा बातें करते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। देखो, भारी नहीं पड़ सकता है, जिस एंकर के लोग हमें भारी बताएंगे उन पर मैं कुछ ऐसी सबूतें दे दूंगा कि वो फिर जान जाएंगे कि ये हमसे भारी हैं कि हम इन पे भारी हैं, और जनता जनार्दन की जहाँ तक बात है तो उनसे मेरी एक बात की गुजारिश है कि भगवान ने सृष्टि को बनाया, उनको संसार गाली देता कभी सामने नहीं आए, हमने तो सामने हो गया हूँ और दिखाने की भी बात रखा हूँ, धैर्यबाजी रखिए, ये सब भगवान की लीलाएं बड़ी अनोखी हैं, समझना आपको लिए तो बड़ा असंभव है, क्योंकि जिस कार्य को करेगे वही समझ सकते हो, और सब कार्य को समझ लें ये सदा संभव है आपके लिए और हमारे लिए भी था, लेकिन अब नहीं है। तमाम पत्रकार आपके पास आते हैं, तमाम तरीके से बातें करते हैं, तो आपको कैसा लगता है? देखो, जहाँ तक हमारी जानकारी हमारे जीवन की लेकर हमारे नागिन को लेकर या भूतकाल की कई अंकित बातें हैं उसे पूछ सकते हैं, जो बताने जैसी है वो बता भी दूंगा और जो नहीं बताने जैसा वो नहीं बताऊंगा। तो जहाँ तक कि तमाम तरह की बात करते हैं तो उनमें कई वीडियो ऐसे हैं जो देखने पर गलत भी लगेगा, लोगों को बात में दम नहीं पाएंगे। ये बताइए, कह रहे हैं कि नागिन आती है, नागिन अभी आई थी, कल आई थी, परसों कब नागिन आई थी? अभी परसों भी आई थी और कल भी रात में एक बार आई थी। क्या रूप में आई थी? वो नागिन के ही रूप में आई थी, परसों भी नागिन के रूप में, कल भी नागिन के रूप में। तो आपके पास गई थी या दूर चली गई? पास नहीं गई थी, मतलब हमसे 1.5 मीटर की दूरी पर थी, तो मैं कुछ बोला वाला नहीं, मैं आया था घर से खाना बना खा के, अंदर घुसा तभी देखा तो मैं कुछ बोला नहीं, फिर मैंने मग्गा उठाया, आया पानी वानी लेकर गया अंदर, फिर बिस्तर लगाया, फिर अपना चली गई वो और हम तो अपने बिस्तर वगैरह लगाकर। ऐसा तो नहीं है कि आपके आजू बाजू तमाम जंगल हैं, जंगल में से कोई कीड़ा बिच्छी तमाम ऐसे चीज हो निकलते हो और वहाँ चले जाते हो, तो आपको लगता है कि नागिन आ गई, नागिन आ गई, नागिन वाला खेल कब तक खेलेंगे महाराज? नहीं देखो, ये गलत है, क्योंकि हमारे भी अंदर एक पहचान है, जैसे कि
अन्य और कोई सर्प ऐसे आते जाते हैं तो उनके रुख से ही मालूम हो जाता है कि नहीं हमारा नहीं है, क्योंकि शक्तियां मन में कुछ है या तन में कहें तो कुछ ऐसे हवा उठा देती है जिससे अलगाव मालूम हो जाता है कि वो मेरा नहीं है, वो आम प्राणी है, मतलब आम जीवा दूसरा जानवर है, यह मालूम हो जाता है फौरन। हम उस पर नजर नहीं डालते हैं और ना ही उसे मारे पीटे, नहीं हम मारते पीटते नहीं है, किसी प्राणी को दर्द देने की बातें नहीं हमारे अंदर है। और जहाँ तक कि जब से नागिन आई है तब से तो बहुत कुछ हो चुका है और बहुत कुछ होने वाला है। ऐसा तो नहीं है कि आपको जानवरों से डर लगता हो, कीड़ा से बिच्छी से डर लगता हो, इसीलिए आप मारते नहीं या छूते नहीं उनको? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। सवाल यह है कि हम जगत के कण कण प्राणियों में समाया हूँ तो जिस तरह कोई हमें मार दे, हमें चोट या दर्द होगा महसूस, उसी तरह उनकी भी एक प्राण है, उनको भी मार दूंगा तो उनको भी दर्द होगा। तो इस दर्द को लेके मैं डरता हूँ कि किसी को दर्द ना दो। यदि मृत देना है तो तन उसका स्वस्थ हो और उन्हें मृत्यु दे दो, वो हम अच्छा मानते हैं। लेकिन या उनको चोट लगे, कटे पीटे सौ टुकड़े में बटे तब मृत्यु, ये मैं गलत मानता हूँ। कहते हैं कि नागिन के रूप में अगर नाग हो या नागिन हो तभी जाके उन्हें का इच्छाधारी नागिन बनने का स्वभाव सौभाग्य प्राप्त होता है। पर आप मनुष्य योनि में है तो आप नाग बनके और इच्छाधारी नाग कैसे बनेंगे? देखो अगर ये चीजें जब हो जाएंगी तो वो कैमरे पर दिखा दूंगा। और जहां तक सवालों में बातों में बताना है तो हम आपको बता दें, जब शक्तियां प्राप्त हो जाएगी तो हम अपनी इच्छा से अपनी शक्तियों के, जैसे आप मान लीजिए कि जैसे जादूगर दिखाते हैं जादू, तो हम जादूगर तो नहीं है लेकिन हम भारी कोठे के हैं भाई, भारी गद्दी के हैं हम, तो उस हिसाब से जैसे जादूगर आपके सामने दिखा देता है जादुआ, तो उस तरह से हमारी शक्तियां प्राप्त हो जाएगी। तो हम अपनी शक्तियों द्वारा अपने को नारी बना लेना या नर से और कुछ बना देना, ये चीजें आसान रहेगा। इसी को कहते हैं इच्छा मृत्यु। तीनों लोक की शक्तियों से जीवन का ज्ञापन ईश्वर भगवान शिव जी ने दिया है, इसी को कहते हैं। और जो नागिन होती है उसको सीधा इच्छाधारी नागिन यानी कोई भी रूप धारण कर सकती है। तो रूप धारण मतलब तन, हर एक चीज आ जाता है। जैसे कि आप मनुष्य रूप में बहुत सुंदर हैं या आप गाय का रूप पकड़ लिए तो वो भी एक तन है, इच्छाधारी, तो वो भी रूप आप पकड़ सकते हैं। ये बताइए इतना ज्ञान कहाँ से आता है आपको? आप पढ़े लिखे कम हैं, आपको ज्ञान की प्राप्ति है, इतना ज्ञान कोई गुरु है का आपका? नहीं मेरा कोई गुरु नहीं है। दरअसल इतना ज्ञान तो मैं पहले नहीं जानता था, लेकिन सन 2012 के बाद से ये सब ज्ञाने हमें प्राप्त होने शुरू हुई है। मैं क्यों झूठ बोलूं लोगों से, पहले तो सपने में नागिन देखता था लेकिन कुछ इतनी जानकारी नहीं था। लेकिन जब सन 2012 के बाद मुलाकात होने लगी तो काफी मेरा रेंज चलने लगा, दुख के साथ मेरी रफ्तार भी बहुत थी, इतना जबरदस्त था कि अब क्या बताएं, परिवार हमसे कितना नाराज है इस बात को लेकर, अब आप लोगों को कैसे समझाएं, आप लोग करीब होते तो देखते। तो ये ज्ञाने हमें सन 2012 के बाद से प्राप्ति शुरू हुई है, मतलब सन 2012 से शुरुआत हो गया था प्राप्ति इसका होने। ये बताइए नाग नागिन वाला खेल कब तक खेलेंगे? देखो ये तो जैसे कि सन 2024 लास्ट मैंने कह दिया हूँ, और बीच बीच में ऐसे महत्व बातें जो हैं अंदर अंदर की, ऐसे इंटरव्यू लेते रहेंगे लोग और ऐसे महत्व बातें देता रहूंगा, और चलते चलते ये समय खत्म हो जाएगी जो सन 2024 लास्ट तक का है। इसके बाद दुनिया को दिखा देंगे सारी बात को, दुनिया वीडियो में देखकर, और फिर ये मान लेंगे कि हाँ इन्होंने सही कहा था। क्योंकि शक्तियों के बाद फिर हमसे कोई आके नहीं कह सकता भैया आपने सही कहा था, हमने गलत कह दिया, ये बातें गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो। इसके लिए आप आ नहीं सकते मेरे पास, क्योंकि मैं अपने शक्तियों से ही रोक दूंगा। मतलब आप जब नाग बन जाएंगे तो कैमरे पर आएंगे, कैमरे पर आकर तमाम लोगों को दिखाएंगे कि मैं एक नाग बन चुका हूँ, 2024 आ गया है, मैं नाग बन चुका हूँ। इसके लिए मैं स्वयं मीडिया वालों को घींच लूंगा अपने शक्तियों द्वारा, बेशक होना चाहे लेकिन घींच लाऊंगा। ऐसा तो नहीं है हम भी कहीं रहे, हमको भी घींच लो। देखो भाई जो लोग ने सच्चाई के लिए दौड़े हैं उनको सौभाग्य और सम्मान पूर्वक घींच के लाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, उनको किसी प्रकार की तकलीफियां नहीं होगी, और उनकी अच्छी जीवन का भी आशीर्वाद भी दे दूंगा और भगवान से भी प्रार्थना भी कर दूंगा उस बाद जब ऐसा कर दूंगा। काफी लंबा लंबा फेंक रहे हो गुरु। नहीं क्योंकि जब मैंने रेल दुख दे चुका हूं और रेल दुख पा चुका हूं तो रेल का भी मैं सुख दे भी सकता हूं, जहां की धन की बात को लेकर, ना ही तो आप कह दे कि आपको मैं जो कहूं वो मानो, ये नहीं कर सकता। क्योंकि हम इच्छा मृत तीनों लोक मतलब जगत में दूसरा अधिकारी मेरे सामने कोई नहीं रहा है, तो मैं अपने मर्जी से करूंगा जो कुछ करूंगा। तो आपको धन से जहां सवाल है वहां मैं खुल कर देने को तैयार हूं, लेकिन 24 के लास्ट के बाद अभी नहीं। अभी तो स्वयं परिवार को नहीं दे सकता, स्वयं का नहीं कर सकता हूं, तो आप लोगों को कैसे कर सकता हूं या आपको ही कैसे कह दूं कि कर दूंगा।
का आप बता रहे थे, कुछ पत्रकार आए थे नाग पकड़ कर लाए थे। हाँ हाँ, देखिए आप सभी जनता जनार्दन भाइयों से मेरा कहना है कि कल की एक वीडियो मेरी बनी है जिसमें कि जी भारती चैनल एक है और उनके साथ और दो चैनल और थे, तीन चैनलों पे चलेगा वो वीडियो। तो उनमें उन लोगों ने बहुत गलत वीडियो बनाए और वो भी मार्केट के बगल में बनाए थे और अनाप शनाप की सवाले किए थे और एक नाग पकड़ के लाए थे, कहने लगे कि आपको वीडियो में बोल दो इसको कि ये मेरी नागिन है और थोड़ा वीडियो मेरा पॉपुलर हो जाए। तो मैंने कहा ये सब गलत है क्योंकि नागिन अभी ऐसे लोगों के सामने नहीं दिखना चाहती है, इतने दिन बीत गया तो कैसे ऐसे कर रहे हो। तो कहने लगे कि नहीं इसे करो, और उन लोगों ने गलत वीडियो बनाया है, वो कि जंगली नाग पकड़ के लाए थे तो, और ये वीडियो गलत है और उस वीडियो में जितनी भी प्रश्न उत्तर हुआ है वो सब गलत मान लेना क्योंकि सही ढंग का कोई सवाल नहीं रखे गए हैं, क्योंकि उन्होंने जंगली लाए थे और इच्छाधारी नागिन को पकड़ना भगवान के बस में नहीं है। तांत्रिक तो अगर कोई चैलेंज करता हो आज का हो चाहे 24 में हो, उसे 24 के बाद उसको मैं गारंटी देता हूं कि आए और पकड़ के दिखाए सामने लोगों को, हम इस बात का चुनौती रखता हूं। तो आपको भी जाहिर होना चाहिए इच्छाधारी नागिन को कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि आप बहुत मनुष्य हैं, आप ज्ञानी हैं, आप सोच सकते हैं कि इच्छाधारी को कोई नहीं पकड़ सकता, सीधी सी सवाल है। तो कल की वीडियो जो था ये बहुत गलत है, आप लोगों को भी बता रहा हूं और पत्रकार भाइयों से भी कह रहा हूं। तो ये कल गलती किए थे और जंगल का नाग पकड़ के लाए थे, बल्कि उस वीडियो पर मैंने नाराजगी भी जाहिर किया लेकिन उतना जाहिर नहीं कर दिया क्योंकि अभी शुरुआत हो रही है सच्चाई का। तो जितने लोग झूठ लेके दौड़ रहे हैं वो कल के लिए जवाब ढूंढे, आज इस वीडियो में मैं कह रहा हूँ जितने लोग गलत समझ रहे हैं, चाहे जनता जनार्दन में हो, चाहे कोई अफसर हो, चाहे कोर्ट कचहरी हो, चाहे मेरे देश के प्रधानमंत्री हो, जितनी अगर गलतियाँ इसमें समझ रहे हैं हमारे बात को लेकर या गलत ठहरा रहे हैं, वो इसकी सबूत को ढूंढने शुरू कर दें अभी से, आज से ही शुरू हो जाएं कि इनके खिलाफ ये जो मैंने रखा हूँ वह चीज़ का सबूत करें, और जो आगे 24 में मैंने कहा हूँ उसके लिए चिंता आप भी मत करिए और हम भी नहीं करते हैं, भगवान ने ऐसा लिखा है तो चिंता किसके लिए करूँ। चलिए, अजय गौतम नाग जी हैं इनसे इस वीडियो में काफ़ी खुलासे हुए हैं, अजय गौतम नाग जी को लेकर फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा इनका वीडियो देखकर। वीडियो देखने के बाद आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, हमें तो लग रहा है कि ये नाग नहीं है सिर्फ एक अफवाह है, पर आप लोग जरूर बताइएगा ये नाग है या नहीं है। जिस तरीके से बेबाकी के साथ कह रहे हैं कि 2024 में मेरा खुलासा होगा, मैं एक नाग बन जाऊँगा, अब नाग बनेंगे या कुछ और बन जाएंगे ये तो हमें नहीं पता है, फिलहाल आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।